हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माइंड रॉकर्स गाइड। एजुकेशन इज द थीम ऑफ लाइफ। आज हम एमपीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट ए डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। आज का हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है द पुराना रॉक्स इन द विद्यान बिजवार एंड ग्वालियर ग्रुप ऑफ रॉक्स आर एविडेंट इन लाइमस्टोन। इन ऑप्शन है आपके लाइमस्टोन, डोलामाइट, फॉस्फोरस, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है लाइमस्टोन। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ओर इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता होगा, जबलपुर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फॉर असेसमेंट ऑफ मिनरल डिपॉजिट इंडिया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन UNFC हैज़ बीन अडॉप्टेड इन। एक्चुअली फॉर द सारा असेसमेंट करना, जो भी मिनरल्स पूरे वर्ल्ड में डिपॉजिट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास एक पॉलिसी बनाई गई थी, मिनरल पॉलिसी। क्वेश्चन ये है मिनरल पॉलिसी हमारी कब बनाई गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है मिनरल पॉलिसी 2010। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेटरेट आयरन ओर इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लेटरेट आयरन ओर एक आयरन की ओर का नाम है, लेटरेट हेमिटाइट्स कुछ ओर के नाम है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है धार, झाबुआ, विदिशा, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ये धार में भी पाई जाती है, विदिशा में भी पाई जाती है, झाबुआ में भी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑफ मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट हाउ मच ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द कंट्री। देखो, मैग्नीशियम हमें पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ये तो पता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम कितने अपने मध्य प्रदेश के में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंटेज। करेक्ट आंसर है इसका 50%। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम इज फाउंड इन ओल्ड एरियन रॉक्स। नंबर फर्स्ट। सेकेंड, इन मध्य प्रदेश मैग्नीशियम इज फाउंड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो हमारा ओल्ड एरियन रॉक में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अपना मैग्नीशियम, और हमने जब अपने पास रीजनल हमने एक सीरीज की हुई थी, इसमें शायद पार्ट 6 में किया डिस्कस किया हुआ था ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था अरेहन रॉक्स में बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वहीं आती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन भी अपना करेक्ट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द एल्यूमिनियम ओर इज फाउंड इन हाई प्लेटी ऑफ डेकन ट्रैप। डेकन ट्रैप की बात करना चाह रहे हैं कि डेकन जो प्लेटी है वहाँ एल्यूमिनियम ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड आपका ऑप्शन है इन मध्य प्रदेश बक्साइट रिजर्व आर नॉट फाउंड इन प्लेटी ऑफ रीजन ऑफ मेकाले। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बक्साइट जो रिजर्व्स है नहीं पाया जाता है कहाँ, प्लेटी रीजन ऑफ मेकाले में। मेकाले के प्लेटी रीजन में नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डेकन प्लेट्यू है, डेकन प्लेट्यू के साथ ही में क्या है, हमारे पास मेकाले रेंज पे सतपुरा मेकाले रेंज पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब मिनरल्स एंड ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा था। सो इसका ओनली वन आंसर सही है, सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इन मध्य प्रदेश डायमंड इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। डायमंड मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ये तो सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में जो रह रहा होगा सभी को पता होगा, डायमंड अपना पन्ना में पाया जाता है। पन्ना जो डायमंड यहाँ का इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है मध्य प्रदेश की, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन बाकी सारे मिनरल्स मिला के भी नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या, पन्ना का डायमंड का डिस्ट्रीब्यूशन एक वहाँ पे रूल है कैसे कि पन्ना से जो भी डायमंड निकाला जाता है उस डायमंड को सारे वहाँ के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कलेक्टर के पास जमा होता है और हर साल जनवरी में उसकी बोली लगाई जाती है, बोली लगती है, बोली ऑक्शन होते हैं। उस बोली में क्या होता है, 5,000 रुपये की हर व्यक्ति को अपनी लॉटरी जमा करनी होती है, फिर बोली में एक आम आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरीके से वहाँ पन्ने में हीरे का व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टंगस्टन। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्फोरमाइट। इन मध्य प्रदेश इट इज फाउंड इन एग्रोहन ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिल्कुल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डोलामाइट रिजर्व्स आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डोलामाइट मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बालाघाट, झाबुआ, सागर, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कॉपर इज मेनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कॉपर मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वैसे तो कटनी में भी पाया जाता है कॉपर, सागर में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ बात करा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है मेनली,
लिखा है ना, कॉपर इज मेनली, लिखा है ना, कॉपर इज मेनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट, बालाघाट में कॉपर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश एबस्टोस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। एबस्टोस है किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, एबस्टोस एक मिनरल्स होता है, एक कंपाउंड होता है जो मिनरल, सिक्स मिनरल्स जहाँ सिलिकेट्स के पाए जाते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में ही मिलता है अपने पास झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। क्या होता है एबस्टस, एबस्टस इस टर्म यूज टू रेफर टू सिक्स नेचुरल अकोरिंग सिलिकेट मिनरल्स, मिनरल्स के लिए इंडिकेट किया जाता है। देखिए जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सारे, एक्चुअली क्या हो रहा है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तरीके से याद करना पड़ रहा है या रटना सा पड़ रहा है, तो वो लगेगा आपको क्योंकि हमें अभी हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है ये हमारी सीरीज क्वेश्चंस के लिए हमने स्टार्ट की हुई है, बिकॉज हमारा पेपर जो है एमपीपीएससी का 12 जनवरी को है। तो 12 जनवरी में अगर हम एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं तो शायद हमारा कोर्स भी पूरा ना हो पाता। तो एक बार मैं ये सोच रहा था, मतलब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक बार क्वेश्चंस की सीरीज सारी डिस्कस कर देते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा किस नेबरहुड में क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी मत एग्जाम में, तो उस एरिया के नियर बाई हम लोग कुछ डिस्कशन या फिर कुछ क्वेश्चंस को आगे पीछे डिस्कस करके खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर एक हमें आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस की रेंज कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमें एक एक डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा किस चैप्टर से कहाँ कितना वेटेज लग रहा है और किस कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में आ रहा है। इस वजह से क्वेश्चन सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक बार जब सारी क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाती है, अराउंड हमने इस क्वेश्चन सीरीज के तकरीबन 10 से 12 हम लोगों ने इसके चैप्टर सोचे हुए हैं, तो हमारी 8 चल रही है, करीब 12 से 15 इसके होंगे अराउंड, जस्ट मी चेक इसकी अराउंड, हाँ अराउंड इसके होंगे 16 के अराउंड सीरीज पार्ट्स होंगे, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस हिसाब से सीरीज खत्म करने के बाद फिर हम सोच रहे हैं करंट करंट अफेयर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो वेटेज होता है एग्जाम में अराउंड आजकल जो लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं, स्टेट पीसीएस जो भी हो रहे हैं, यूपीएससी पूछ रहा है या फिर कोई भी एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम हो रहा है, उसमें करंट का वेटेज कुछ ज़्यादा ही आने लगा है। हम आजकल क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम आ रहा है तो करंट का वेटेज अराउंड 60-40 के रेशियो के अराउंड में आ रहा है। सो करंट का हमने करंट से करंट का जो सेशन है वो बाद में रखा है, पहले हमें सीरीज को डिस्कस करने के बाद फिर करंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, आप हॉपलेस मत होइए, क्वेश्चंस को देखते हो कि सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, कोई टॉपिक को डिस्कस नहीं करा रहे हैं, हम टॉपिक को भी करेंगे डिस्कस आगे, जो भी अगर मई में जो एग्जाम होगा एमपीपीएससी का उसको फोकस करके हम आगे काम करेंगे। ओके देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कायोलिन इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कायोलिन एक तरीके की चाइना किले को बोलते हैं, चाइना किले उसे कायोलिन बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। पूछा गया है ग्वालियर के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ऑप्शन है आपके रीवा, ग्वालियर, मुरैना, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। कैलोन इज ऑल्सो नोन एज चाइना किले, कैलोन चाइना किले के, चाइना कैलोन को चाइना किले के नाम से भी जाना जाता है, चीनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है, ग्वालियर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कॉपर इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। कॉपर किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, खरगोन, रतलाम, बालाघाट, नीमच। इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश कोल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। कोल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया होता कोल जो होता है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है सूरजपुर में, सूरजपुर में भी कोल पाया जाता है, मऊपानी में भी पाया जाता है और सिंगरौली में भी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ क्या है, अबाउट 8% कंट्रीज कोल इज प्रोड्यूस इन एमपी इन विच सिंगरौली इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन मध्य प्रदेश। क्या बोला गया है कि 8% जो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कोल का होता है उसमें से 8% जो होता है वो इंडिया का एमपी का होता है, जिसमें से सिंगरौली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सिंगरौली वहाँ की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री मिनरल्स प्लांट्स है वहाँ का कोल का, उसको सप्लाई करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और बोरम की भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ सप्लाई करता है सिंगरौली। सिंगरौली सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है अपने मध्य प्रदेश में, याद रखना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कटनी इज फेमस फॉर विच मिनरल्स। कटनी किस मिनरल के लिए फेमस है। सिंपल सा इसका आंसर है आयरन के लिए फेमस है। हम सब ने सुना होगा कटनी में रेलवे यार्ड्स बहुत, रेलवे इंजन्स बनाए बनते हैं, रेलवे कोचेस बनाए जाते हैं। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आयरन, आयरन के लिए है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टेलकम इज फाउंड। टेलकम क्या होता है, एक्चुअली ये भी दिक्कत आ गई। टेलकम क्या होता है, एक क्ले कंपाउंड होता है जो मैग्नीशियम सिलिकेट में पाया जाता है। इसका इसका जो क्वेश्चन
केमिकल फॉर्मूला होता है Mg3SiO4 O10 OH2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर कहाँ पाया जाता है। ये तीन जबलपुर में भी पाया जाता है, झाबुआ में भी पाया जाता है, नरसिंहपुर में भी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस क्या दिया हो, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Mg3SiO4 O10 OH2। बहुत बड़ा है लेकिन ज़रूरी नहीं आता इतना याद करने के लिए। और टेलकम नाम से भी अगर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में टेलकम के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने टेलकम यहाँ डाला हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर इन द नॉर्थ ईस्ट हैज़ रिजर्व्स ऑफ, जबलपुर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो किसके लिए रिवर्स है, मतलब किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, इसके लिए है। जबलपुर में आयरन ओर पाया जाता है, कौन सा आयरन पाया जाता है, हेमाटाइट आयरन ओर, हेमाटाइट आयरन ओर। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स, लाइमस्टोन किस रॉक्स में पाया जाता है, क्रिस्टस रॉक में पाया जाता है, विद्यन रॉक में पाया जाता है। ओके करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर है सी, बहुत ए एंड बी इसका आंसर होगा। ओके ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोल इज मेनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स, कोल किस रॉक्स में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। हमने पढ़ा होगा गोंडवाना रॉक्स मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़्यादा है गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स अगर ज़्यादा है तो कोल भी गोंडवाना रॉक्स में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि कोल भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। हम लोग ने अभी पहले भी डिस्कस किया था, कोल 8% का कॉन्ट्रीब्यू 8% कोल का कॉन्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश से रहता है, जिसमें सिंगरौली सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है। तो गोंडवाना लैंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो डायरेक्टली गोंडवाना लैंड में कोल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, गोंडवाना जो हमारा एरिया गोंडवाना लैंड है, उसको गोंडवाना कैसे पढ़ा था ना, हमने याद होगा अपने हिस्ट्री वाले चैनल में ज्योग्राफिकल एरियाज में पढ़ा हुआ था, गोंडवाना गोंड जो यहाँ ट्राइब्स रहती थी उसके नाम पर हमने गोंडवाना लैंड इसका नाम पढ़ा हुआ है। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मैग्नीजियम इज मेनली यूज इन किस में, मैग्नीज यूज होती है हमें पता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, ड्राई इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ए एंड बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल पॉलिसी, मध्य प्रदेश की स्टेट मिनरल पॉलिसी उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इम्प्लीमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये होगा बिल्कुल होगा, चलो ये तो ठीक है। मतलब किसी भी पॉलिसी होगी, देखिए पॉलिसी जो होती है उसके बेटरमेंट के लिए होती है, टू इम्प्लीमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये तो उसका बेटरमेंट होगा, तो इट मे बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना है, टू डिस्कवर न्यू मिनरल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ऐसा हो सकता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करेंगे तो उस चीज़ में, जैसे हमारे BSNL का अगर ऑप्शन लेते हैं, BSNL के ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर में अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो BSNL ठप हो गई थी, उसके लेके काफ़ी गवर्नमेंट को चिंता है, जिसकी वजह से 7,000 अभी रुपये सेंक्शन किए गए हैं, कुछ वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बाहर भी निकाला गया है। तो शायद बी वाला तो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया, कुछ से डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपने मिनरल पॉलिसी नहीं भी पढ़ी है तो भी। सी ऑप्शन होना, टू मेक कंपलसरी टू टेक लाइसेंस एंड परमिटेड। देखिए जब हम पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट तो नहीं है, मतलब वहाँ फ्री लाइसेंस फ्री और परमिट फ्री किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टू इम्प्लीमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल एस्टिमेट रिजर्व ऑफ डोलोमाइट इन मध्य प्रदेश इज 20, डोलोमाइट का इतना होगा, नहीं होगा, ज़्यादा होगा इससे। सो इसका ये करेक्ट करेक्ट नहीं, पहला गलत है। दूसरा, 2014-15 में 4.6 लाख टन प्रोड्यूस किया गया था अपने पास क्या डोलोमाइट, नहीं इतना नहीं किया गया था हमारे पास डोलोमाइट, 2014-15 में ज़्यादा किया गया था। तो आपका ये भी आंसर ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, नाइदर वन नॉर सेकेंड। ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच मिनरल इज नीडेड फॉर रेफ्रिजरेटरी एंड क्रेमिक इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेटरी और क्रेमिक इंडस्ट्री के लिए कौन से मिनरल की जरूरत पड़ती है, फायर के लिए, करेक्ट आंसर इसका होगा फायर के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मीका इज यूज्ड इन, मीका किस में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कार ग्लासेस, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है मेडिसिन। देखिए अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में मीका यूज़ किया जाता था, कार बनाने में मेडिसिन मीका यूज़ किया जाता है, कार के पार्ट्स बनाने में, लेकिन कार ग्लासेस लगा दिया तो गलत हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया तो गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडिसिन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि जब हम इसको एक बड़े रूप में चैनल को जब चालू करेंगे तो इसमें हम दिन की लगभग 5 वीडियोस कोशिश करेंगे डालने, जिसमें करंट अफेयर्स आपका होगा, मैथ्स की वीडियोस होंगी, और एक टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे वो होंगी, और प्रैक्टिस सेशन के लिए हम सारी वीडियोस कंटिन्यूसली डालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।